This is one of the famous questions from the chapter Chemical Equilibrium. What is the percentage dissociation if 1 mole of x2y is introduced into 1 liter vessel at 1000 Kelvin? Kc for the dissociation of x2y is equal to 1 into 10 ki power minus 6. इस क्वेश्चन में हमें एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन गिवन है 2x2y गिविंग 2x2 प्लस y2. इनिशियली हम मान लेते हैं इसके कुछ 1 मोल है तो इसके कुछ 0.0 मोल्स हैं. तो इक्विलिब्रियम पे इसमें कुछ x डिसोसिएट हुआ, x बना और ये x by 2 बना, ये हमारे मोल्स हैं. अब हमें kc की वैल्यू गिवन है तो हमें kc के लिए कंसंट्रेशंस चाहिए. कंसंट्रेशन हमें पता है होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम की हमें यहाँ पे वैल्यू गिवन है कि वॉल्यूम हमारा 1 लीटर है तो वी हमारा 1 लीटर है. अब हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, वाई टू की कंसंट्रेशन हो जाएगी एक्स बाय टू अपॉन में वी, वी तो 1 है हमारा तो ये हो जाएगा एक्स बाय टू. एक्स टू की कंसंट्रेशन हो जाएगी एक्स बाय वी, वी हमारा 1 है तो एक्स इज इक्वल टू एक्स. एक्स टू वाई की कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 माइनस एक्स अपॉन में वी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स. अब जो हमारा के सी का एक्सप्रेशन होगा वो होगा वाई टू की कंसंट्रेशन इंटू एक्स टू की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर अपॉन में एक्स टू वाई की कंसंट्रेशन का होल स्क्वायर. तो के सी हमारा इक्वल टू हो जाएगा वाई टू है हमारा एक्स बाई टू इंटू एक्स टू है हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स टू वाई हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. अब हमें पता है जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो हमारा बहुत ज़्यादा छोटा होता है एज़ कम्पेयर टू 1, तो फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन हम इसको निगलेक्ट कर लेते हैं और जो हमारा डिनोमिनेटर है वो 1 बन जाएगा. यहाँ से के सी हमारा आ जाएगा एक्स क्यूब बाई टू. अब के सी की वैल्यू हमें गिवन है 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6. यहाँ से हमें मिल जाएगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6. इसको सॉल्व करने पे x की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कुछ 0.01 करके कुछ आ रही होगी. तो जो यहाँ से हमारा परसेंटेज डिसोसिएशन हो जाएगा वो अप्रोक्सीमेटली 1% हो जाएगा. हमें यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट मिल गया तो परसेंटेज निकालने के लिए हम इंटू 100 कर देते हैं, तो 100 करने पे अप्रोक्सीमेटली 1% हमारा आंसर आएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग केम शिक्षा. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल.